बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूं कराची के इलाके में आसिफ स्क्वायर, लेकिन यहां पे मैं क्यों मौजूद हूं, मैं आप लोगों को ये जगह दिखाने आया हूं। ये ऐसी जगह है जहां आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम अफगानिस्तान आ गए, और अफगानिस्तान अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको कराची के अंदर ही मिल जाएगा, एक मिनी अफगानिस्तान। यहाँ पर आपको शॉप्स जो हैं अफगानिस्तान वाली नज़र आएंगी, जिस तरह की नान है, नान जो बने हुए हैं, और देख सकते हैं पीछे दुम्बे वगैरह, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट है जैसे आप ऐसे कि अफगानिस्तान में आ चुके हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये जगह विज़िट करी जाए और ये जगह आप लोगों को दिखाई जाए कि यहाँ क्या क्या मिलता है और किस तरह से बनी हुई है ये कॉलोनी। तो इस जगह का पूरा विज़िट करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाली वीडियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक भी कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलें आ जाएं। अच्छा, अगर मैं आपको नान दिखाऊं तो ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त नान है, ये देखिएगा क्या स्टाइलिश तरीके से नान बनाई हुई है, देखिएगा एक स्टार बनाया हुआ है। यार अस्सलाम वालेकुम, उर्दू आती है? नहीं आती, पश्तो आती है? किसी को उर्दू आती है यहाँ पर? बुलाओ उसको। ये देखेंगे नान, अगर आप देखी जाए तो किस शानदार तरीके से बनाई हुई है, देखिएगा एक में मछली का डिज़ाइन बनाया हुआ है और एक पे स्टार बनाया हुआ है, और ये देखिएगा बहुत ही कोई शानदार है, और ये देखिए दिल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये देखिएगा ये सारे नान हैं, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ तैयार होते हैं, देख रहे हैं यहाँ नान तैयार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब, आपकी मैंने ये नान देखे, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बनाए हुए आप लोगों ने, ये क्या अफगानिस्तान नान है? हाँ, अफगानी है, है यार। ये देखिए ये दिल बनाया हुआ है, किस तरह से तैयार होते हैं, कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे हमें तैयार होते हुए भी? वो रात के बनाएगा, एक नान दिखाएंगे आप बनाकर? हाँ। अच्छा, ये कितने की, क्या क्या हिसाब है? ये सात का। ये एक दाने का ₹7 का। ₹7 का बस? और इसमें क्या लगता है ऊपर? ये कलवंजी है, कलवंजी लगी हुई है। और कोई नहीं है, ये तीन दाने नान है। आओ अंदर आओ। ये है यहाँ की कारीगर, ये कारीगर है। तो भाई एक दिल वाली जो रोटी है एक बना के दिखा दें व्यूवर्स को, और दिल खुश कर दो। ये देखिएगा पेड़ा इन्होंने दो, और ये देखिएगा तीन पेड़े उठाए हैं, और ये मिक्स कर दिया दो पेड़े और ये तीसरा पेड़े के साथ, ये देखिएगा मिक्स हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है? दिल वाला बना। ये दिल वाला है? दिल वाला भाई, ये दिल वाला बना रहे हैं सबके लिए, और कुछ करना है? ये देखिएगा भाई दिल बना के दिखा दें, ये देखिएगा कितने शानदार तरीके से बनाया। और देख रहे हैं रोटी कितनी मोटी, आप चेक करें रोटी मोटी कितनी है, और ये सिर्फ ₹7 की है, हैरत की बात, ये ₹7 में आप इतनी मोटी रोटी ले रहे हैं। और बनाओ, ये देखिएगा डिज़ाइन, वाह यार, ये 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 दिल बन गया ज़बरदस्त। ये क्या है? इसके डिज़ाइन है। अच्छा डिज़ाइन है, ये देखिएगा भाई बड़ी ही शानदार तरीके से बनाई है। आपका नाम क्या है? जमशेद मेरे। हाँ जमशेद, इसके ऊपर क्या लगता है और जो ब्राउन ब्राउन आ जाता है? अभी उसको आम का कुंजित बोलता हूँ ना। हाँ कलवंजी, लवंग, लवंग। हाँ लवंग और कलवंजी डलती है और फिर ये ब्राउन आ जाती है। सही है, बहुत बेहतरीन बनाई है, ज़बरदस्त यार, दिल खुश कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ये हैं अफगानी सूट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे, लेडीज़ हैं सारे। अच्छा ये जो है सामने, ये जो है ये कितने के हैं, ये कुछ बता देंगे? और ये किस तरह से तैयार होते हैं, कितने के पहले तो प्राइस बता दें। इसका रेट मुख्तलिफ है, 3,000 3,000 साढ़े 3,000 रुपये। अच्छा तो ये बता दें कि ये बनते किस तरह से, हैंडमेड होता है, क्या होता है इसका, क्या तरीके का? पेशावर में बनते हैं और इधर आते हैं कराची। अच्छा पेशावर में आते हैं। ये जो ये वाला सूट है, ये वाला ये वाला ले लो, ये पर्पल वाला, ये वाला कितने का है? ये 3,000 रुपये का। और अगर आगे की तरफ आए, ये वाले जो हैं थोड़े से ज़्यादा काम हुआ हुआ है जिस पे, वो थोड़ा महंगा होगा। ये वाला बताओ, ये वाला बड़ा चलता है, ये वाला, ये लीलन वाला है, 3,000। ये भी 3,000 रुपये का। और जो सामने जो पोर्शन पे लगे हुए, ये वाले देख सकते हैं आप लोग, सामने जो लगे हुए ये वाले, ये कितने के हैं ये देख सकते हैं? वो 5,500। 5,500, और कुछ मुनासिब हो जाएंगे या तुम ये ज़्यादा ही बता रहे हो? कुछ मुनासिब हो जाते हैं, मुनासिब रेट है। सही है, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है लेडीज़ की जो है सूट्स की वैरायटी मौजूद हैं,
जो कि सिले हुए हैं। और ये कौन सा है, ये वाली जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये 4,500, इस पे हाथ का काम हुआ है, हाथ से बना हुआ है, हाथ से बना हुआ है 4,500। और ये बेसिकली होते किसके हैं, ये कौन ज़्यादातर लोग लेते हैं इस तरह के? तो ये अफगानी लोग लेते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुए हैं, ये देखिएगा। ठीक है सर जी, क्या नाम था आपका? नाम फजल करीम। बस सही, बहुत बहुत शुक्रिया फजल करीम साहब, थैंक यू। अच्छा, ये देख सकते हैं खवातीन आज़ाद, ये है भुना हुआ है, मतलब इसको पकाया हुआ है, और ये अफगानी रोश के लिए बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा दुम्बा है, ये देखिएगा अफगानी रोश बनता है इससे, ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला साहब, आपके पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद हैं यहाँ पे, कंबल भी हैं, और ये क्या तकिए हैं, और ये देखिए गोल तकिए जो हैं, जो अफगानी, ये जो पठानों की जो होते हैं रवायती, ये भी हैं मौजूद। ये कितने के हैं, कुछ बताएंगे व्यूवर्स को? ये बताइएगा ये वाला कितने का? ये आपको कालीन का बना हुआ है, ये 500 रुपये का एक पीस है। ये वाला, हाँ ये देखिएगा, कालीन से बना हुआ है। और ये वाला शनील का बना हुआ है, ये वाला 300 रुपये, ये वाला, ये 300 का। अच्छा, ये आप कम बता रहे हैं या हो जाएगी राय? तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, अच्छा ये रेट आपको बता रहा हूं। वरना नहीं होते ये, हम लोग इधर 700 रुपये बोलते हैं, लास्ट इसका 500 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिएगा ये वाला जो है तकिया, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। और ये कितने का? ये थोड़े से चौरस में कालीन का बना हुआ, ये 400 रुपये का। 400 रुपये का। अच्छा, बेसिकली ज़्यादातर जो तकिए हैं आपके कालीन से बने हुए हैं? जी, कालीन सब कालीन के बना हुआ था, हम लोगों का लोग जो है सब ना कालीन वाले नहीं खरीद, नहीं खरीद, हम लोगों के लोग जो है ना मजबूत चीजें बोलते हैं, कालीन का बना हुआ वो खराब नहीं होते हैं, इसको जो है ना आप धुलाई भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हैं। ये अच्छा, फिर ना ये फिर एक अच्छा ये, हाँ ये देखे, इसका कालीन का है ये, हाँ। जितना भी धुलाई करेगा बुर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कालीन की अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ कालीन भी मौजूद है, तो ये कितने क्या हिसाब होते हैं इसको, क्या बोलेंगे? कालीन इसको जो है ना अफगानी कालीन भी होता है, इसमें तुर्की वाला भी होता है, हाँ। इसमें आपको हर वैरायटी का मिल जाएगा। अफगानी कालीन कौन सा है इनमें? अफगानी कालीन हाथ हैंडमेड होता है, वो कहाँ है? वो उधर आगे एक दुकान है, उसके पास मिल जाएगा, आगे वाली दुकान पे, इसी पट्टी में आगे चले आगे, हाँ। ये देख सकते हैं, ये है हैंडमेड। अच्छा, ये किससे बनाया जाता है? ये दुम्बे का और देखिएगा अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, इसको जो है ना दरमियाना क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी भी नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, हाई क्वालिटी जो है ना बहुत महंगा है, बहुत महंगा वो भी मिलता है। ये कितने का, ये वाला जो देख सकते हैं आप, ये तकरीबन होगा मेरे ख्याल 2.5x5 है, फिट और अगर 5 फिट का, और मीटर के हिसाब से करें तो मीटर के हिसाब से 2 मीटर होगा, 2.5 मीटर। अच्छा, ये कितने का ये, अगर छोटा सा पीस है तो? छोटा पीस है ना ये 10,000 रुपये, 8,000 तक का हो जाएगा। ये देखिए इसकी वजह ये है क्योंकि हैंडमेड है, ये देख सकते हैं। जायनमाज भी आता है, जायनमाज मेरा वाला है, वो जायनमाज भी आता है। अच्छा, जायनमाज है कोई? एक जायनमाज भी है, एक दिखाइएगा जायनमाज, बस एक दिखाते हैं, वो भी अफगानी है जायनमाज, है वो भी अफगानी हैंडमेड का बना, हैंडमेड जी। अच्छा जी, वो देखिएगा अभी अफगानी जायनमाज भी ला रहे हैं जो कि हैंडमेड है, और बहुत मेहनत लगती है, मतलब ये एक बनाने में काफी टाइम लगता होगा, ये बहुत आसान नहीं, हाथ का काम जो होता है इसमें। ये देखिएगा हाथ का काम और कितनी सफाई से हुआ है, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा किस तरह से डिज़ाइन बनाए हुए, और बहुत अच्छा हाथ का काम हुआ है, ये देखिएगा। और ये भी उसी से दुम्बे की, क्या बोलते हैं, ये भी दुम्बे का ऊन है, ऊन है, और इसका जो है ना धागा भी सारा हाथ से बना हुआ, हाथ से बना हुआ है, मशीन भी कोई काम नहीं, मशीन का कोई काम नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना साफ सुथरा बनाया है। नमाज, ये जा नमाज, अगर इसकी प्राइस अगर आप बता दें, इसको प्राइस भी उसी तरह है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और इससे महंगा भी है, इससे महंगा भी है आपके पास है मौजूद, लेकिन तो नीचे सामानों की नीचे पड़ी, बहुत नीचे, तकरीबन 15,000 रुपये, 15,000, ठीक है ठीक है। इसकी वजह वही है कि हैंड से बनी जाती है, बहुत मेहनत लगती है, शाइनिंग ज्यादा होगी, शाइनिंग। और एक बात दूसरा भी है, तो कुदरती ऊन से बना हुआ, कुदरती ऊन है, ठीक है, साथ इस्तेमाल करने में रोमाटिज्म बीमारी भी गुम कर देता है, अच्छा, आड़ों का दर्द गुम कर देता है, अच्छा माशाल्लाह भाई, असली चीज है, नहीं असली चीज है, सही कह रहे हैं, यानी ये तो कुदरती ऊन है, कुदरती ऊन है, सही कह रहे हैं आप।
तो ये देख सकते हैं जिन्होंने अगवानी अगर लेने हैं कारपेट और जाना मादे तो भाई यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ की लोकेशन बताइएगा, लासिफ स्क्वायर, डी ब्लॉक आगा साहब के पास ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, सिर्फ अगवानी नहीं और भी सारी चीज़ें होंगी, कंबल वगैरह, चादर भी है, ईरानी भी है, अगवानी भी, तो बहुत सारी वैरायटी होगी, तो इनके पास ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से बनाई भी है। मेन गली कालीन वाला ठीक है उधर ही होंगे आगा साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू। अच्छा ये देखिएगा ख़वातीनों हज़रात, ये हम लोग कंबल के पोर्शन में आ गए हैं और ये देखिएगा बहुत सारे कंबल और कालीन भी मौजूद हैं, आपको दिखा देता हूँ। क्या प्राइस है ये वाला कालीन है? ये फुल सेंटर पीस का हिसाब से। ये देखिएगा भाई कितना ज़बरदस्त कालीन है, कितने का है भाई? 1800। ये मुनासिब ही है ना? 1800 फाइनल लास्ट। अच्छा, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुए, और इसके अलावा कोई ज़बरदस्त सा कालीन दिखा दो कि दिल खुश हो जाए। फिर वो अच्छा वाला है, वो अच्छा वाला कौन सा है? ये वाला, ये वाला इसमें ये कलर है, ये देखिए आप, कोई सा भी कलर आप देख सकते हैं कि ये कितने मतलब फुट है इसमें जो है, ये 7x10 का है, इसका रेट जो है मुख्तलिफ रेट है, इसमें अंदाजन कम से कम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने कम से कम जो है ना 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फिर 25,000, 20,000, 15,000 फिर अच्छा वाला 25,000 तक है, 10 से 25 के दरमियान है। ये देख सकते हैं ये सारी वरायटी है, 10x7। ठीक है, और जो इसके पीछे रखे वो फिर 9x12 है, उससे ऊपर का लोगे वो 10x13 है। ठीक है, इसमें तो ये लाल अच्छा कंबल के अलावा आप वो दिखा देगा ना भाई, ये कंबल दिखा दें कालीन के अलावा, तो उसकी आपको पता है जिस तरह से सर्दियाँ चल रही हैं, ये देखिएगा ये सारे कंबल आम हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक पीस आपको खोल के भी दिखाएंगे, एक पीस दिखा दो बस। ये देखिएगा, ये देखिएगा भाई कितना शानदार और बिल्कुल न्यू है ये, और न्यू है, जबरदस्त। ये देखिएगा डबल बेड का है, इसका रेट भी जो है ना मार्केट में लोग 5,000 का बेचते हैं, इधर अलासिफ में जो है ना ये मुनासिब रेट में 3,500 रुपए का। अच्छा ये मुख्तलिफ है या सेम प्राइस में जो है ना भारी वाले भी आते हैं इसमें? फिर भारी वाले कितने का? सबसे वाला जो है सबसे भारी वाला 7,000 रुपए तक भी है, और सबसे कम? सबसे कम फिर डबल बेड का जो है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए का, अच्छा ये फिर दरमियाना वाला है ये 3,500 का। ठीक है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपने बताया? असदुल्ला के पास ज़रूर विज़िट कीजिएगा भाई, आपको शॉप देख सकते हैं इनके पास, कालीन और कंबलों की बहुत सारी वैरायटी, और ये बाकी और भी चीज़ें दिखा देंगे आपको, लेकिन इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा भाई। और एड्रेस भी बता दें, एड्रेस अलासिफ स्क्वायर मेन गोश्त वाला गली पे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्ला। ये कंबलों के जो पोर्शन है इसके सामने बिल्कुल एक ड्राई फ्रूट की भी शॉप्स हैं यहाँ पर मौजूद, ये देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या नाम है? ईसा भाई जी। क्या हिसाब है ये वाला बादाम? ये 950 यार, ये तो खुला हुआ है, खा लूँ जी। ये है छिलका वाला है ना? हाँ। अच्छा है तो बड़ा ज़बरदस्त। कहाँ का है ये? अमेरिकन है। 950 रुपये किलो जी। कागजी। और ये जो अखरोट है ये कहाँ का है? 550 अमेरिकन। अच्छे हैं ये, कोई मतलब ख़राब तो नहीं निकलते? एक नंबर होते हैं। और ये वाला जो अखरोट है ये कौन सा? ये चाइना, ये 550 चल रहा है। अमेरिका चाइना एक ही बराबर चल रहा है वजह? ये कागजी कहलाते हैं दोनों, वो अमेरिकन कहलाते हैं, ये चाइना कहलाते हैं। नहीं तो अमेरिका के ज़्यादा अच्छे हैं चाइना के? अभी चाइना के अच्छे हैं। अच्छा, अब ये खोपरा क्या हिसाब दिया? इंडियन खोपरा 500 रुपये के जी। इंडियन खोपरा 500। यार ये वाला जो बादाम है ये भी कागजी है? अच्छा यार काजू कहाँ है? काजू हो और ये पिस्ता, ये जिस तरह से पिस्ता ये है ना, ये कहाँ का है? ये ईरानी है। ये ईरानी है। और ये जो नीचे जो बादाम है ये जो छिले बादाम कहलाते हैं, ये 2200 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, 1800 रुपए किलो। 1800 रुपए किलो है। अच्छा सही है। काजू नहीं है? 2200 रुपए के जी। काजू कहाँ के? इंडिया? अच्छा, ये बेसिकली होलसेल है या रिटेल है? क्या रिटेल भी मिलेगा? अच्छा, तो यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट की भी शॉप्स मिल जाएंगी होलसेल, और देख सकते हैं आप मेन गेट के अंदर इंटर होंगे तो यहाँ पर मौजूद है ये। ठीक है,
सकते हैं आप लोग यहाँ पे खुले मसाले भी मौजूद हैं, यहाँ पे आपको खुले मसाले जो मिर्चे वगैरह ये भी मिल जाएगी। बिल्कुल एक अफगानिस्तान वाला माहौल नज़र आ रहा है आपको, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल एक मिनी अफगानिस्तान। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है। खैर मैंने पूरी मार्केट तो एक्सप्लोर नहीं करी, मैंने कोशिश करा कि जितना हो सके आप लोगों को दिखाऊँ और यही मेरी कोशिश थी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन लाजमी दबाना होता है सब्सक्राइब के साथ, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हो सका तो शेयर भी कर दें। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।